हमारा बाथरूम बहुत ठंडा है। वेलकम बैक मॉम। तुम्हारा ये बात बोलना ही काफी है शिनचैन। अरे वाह, ये सेब है, मैं भी खाऊंगा। उससे पहले जाकर अपना हाथ मुंह भी धो लो, अब जाओ जल्दी। हाथ मुंह धोऊंगा तो मुझे बहुत ठंड लगेगी। अब बहाने मत बनाओ शिनचैन। हमारे बाथरूम का टेम्परेचर -13 डिग्री है। तुम्हें कुछ नहीं होगा, जाओ जल्दी। वैसे ये ठीक कह रहा है, वॉशरूम सच में ठंडा है, नहाने के बाद तो और ठंड लगती है। क्या तुम हीटर ला सकते हो जो स्टॉक रूम में रखा है? जाओ जल्दी जाओ और उसे ले आओ। क्या मैं? इससे पहले मम्मी यहाँ पर सफाई की थी डैड। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना बेटा। हाँ बहुत ठंड थी इसलिए सफाई ठीक से नहीं कर पाई। तुम हमेशा ऐसा करती हो मित्सी, ये गलत बात है। माफ कर दीजिए, मुझे चोट भी लग सकती थी आज। संभाल के। सुनिए मैम, जरा ये पढ़िएगा प्लीज। क्या पढ़ूं? हिरोशी हार्ट दोबारा लौट के आना फ्रॉम अजूजा। कहना पड़ेगा डैड, आप पहले के जमाने में बहुत स्मार्ट लगते थे। अरे ये कहाँ से मिल गया? बताइए आज से ठीक 10 साल पहले की आपकी कोई दोस्त थी? कोई नहीं। मैं बाद में बात करूंगी। ठीक है मित्सी। चलिए डैड मॉम के वापस आने से पहले सारा काम अच्छी तरह से खत्म कर लेती है। बहुत ज्यादा बुरा मान जाती है तुम्हारी मॉम बेटा, क्या करूँ मैं? हाय दिस इज कावागुची, मैं अभी फोन नहीं उठा सकता। अरे ऐसा क्या हो गया, क्या कर रहा है कावागुची? कावागुची अंकल ने मिस कॉल दी क्या? अगर वो बस साथ काम करती थी तो तुम इतने खुश क्यों लग रहे थे? ऐसी कोई बात नहीं है मित्सी। इस तस्वीर में कितने अजीब लग रहे हो। अरे ये एक ऑफिस की पार्टी थी मित्सी। ये तारीख याद है? 30th of January, मैं कैसे भूल सकती हूँ? मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रही थी। यासुकी उराकामी का डिनर शो, मैं ओकाई के साथ जाना चाहती हूँ। अरे हाँ हाँ, भरोसा रखो मैं बच्चों का ख्याल रख लूँगा मित्सी। सच में? कभी तुम्हें भी अकेले बाहर जाना चाहिए। याहू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पर तुमने? अरे नहीं मित्सी, आज रात को मैंने अपने कुछ जरूरी क्लाइंट्स को डिनर पर बुलाया हुआ है। ओह अच्छा, मैं समझ गई। मैं यासुयुकी उराकामी के डिनर शो पर नहीं जाऊंगी। और सारे मजे तुमने ही किए, सच है ना? सारे सबूत देखते हुए हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि आप उस रोशनी में बहुत गोरी लग रही हैं डैड। मेरी बात सुनो, ये ऑफिस की पार्टी थी और कुछ नहीं है इसमें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे जल्दी। आज तो मजा आ गया। हाँ चलो कहीं पार्टी करते हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है? अजूसा की दुकान पास में ही है, चलो वहीं चलते हैं हम। अजूसा की दुकान? हाँ अब आप बहाना मत बनाना, प्लीज वहीं चलते हैं हम लोग, चलो जल्दी चलते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए हैं। मैं समझ गया, बस थोड़ी देर लगेगी पर मैं जल्दी चला जाऊंगा। ठीक है? हाँ ठीक है। एक बात कहनी पड़ेगी, अगर आप मुझे अपने साथ ले जाते तो किसी भी परेशानी में नहीं फंसते। अगली बार मुझे साथ जरूर ले जाना, मैं चलूंगा, क्या पहनूंगा। पर यहाँ कावागुची इन तस्वीरों में कहीं नजर नहीं आ रहा है। कब से समझा रहा हूँ तुम्हें पर तुम मेरी बात मानती ही नहीं हो मित्सी। पर तुम फोटो क्यों छुपा रहे थे? ऐसा गलती से हो गया था। अरे तुम मुझ पर यकीन क्यों नहीं कर रही हो, कावागुची भी उस दिन मेरे साथ था। जब तुम्हें सच पता चलेगा तो अपनी गलती का एहसास होगा। सुनिए मां, शिनचैन मुझे माफ करना। हीटर कम कर दीजिए, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। अरे इसमें सबकी फोटोज थी, कावागुची की फोटो कहाँ चली गई? कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई कावागुची की फोटो? दिस इज कावागुची, मैं अभी फोन नहीं उठा सकता। कहाँ गई कावागुची की फोटो? मैं अब समझ गई हूँ, तुम्हें ठंड लग जाएगी। मुझे पता है कि तुम अजूजा के साथ थे, बहुत हुआ, अब रहने भी दो। बाद में तुम फिर यही बात करोगी मित्सी, मैं ढूंढ ही लेता हूँ कावागुची की फोटो। आगे से मैं तुम्हें ऐसे परेशान नहीं करूँगी। चलिए ना डैड अंदर चलते हैं, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। तुम्हारी मॉम ने बार बार मुझे सुनाया था। मॉम आप डैड से अंदर चलने के लिए बोलिए ना। तुम्हारी मॉम ने बार बार मुझे सुनाया था। अगर मैं आपके साथ यहाँ बाहर खड़ा रहा तो मैं ठंड से बर्फ बन जाऊंगा। तुम्हारी मॉम ने बार बार मुझे सुनाया था। चलिए अंदर, घर चलिए। अरे मुझे याद आ गया, सब तुम्हारी गलती है शिनचैन।
मिल गया मुझे। ये सच है? चलो अब माफी मांगो, चलो। मुझे माफ करना, मैंने आप पर शक किया। चलो माफ किया। अच्छा अब समझ में आया, इसलिए तुमने अपनी फोटोज अलग बॉक्स में रखी थी। इसमें क्या है मैम? अरे ये तो मेरा लिखा हुआ है। मुझे ये तस्वीरें बहुत पसंद है, मेरे लिए ये अनमोल है। शुक्रिया, फ्रॉम मिसाई। क्या कह रही हो मिच्ची? हिरोशी याद है जब हमारी नई नई शादी हुई थी मुझे ठंड लग गई थी। हाँ हाँ मुझे याद आ गया वो दिन। और तुम मेरे लिए वर्ल्ड ऑफ मशरूम लाए थे। मैं बहुत ध्यान रखता था तुम्हारा। देखो हमारे उन दिनों की फोटो। देखो हम कितने जवान थे तब। इस फोटो में हम कितने अच्छे लग रहे हैं ना। जरा सुनो हिना बारी, हमारी तो एक भी फोटो नहीं मिली। लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना, बाथरूम जाने नहीं भूलते ना, ये भी मत भूलना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काला कौवा काटेगा। बाय।